आज हम मनु का समाज दर्शन या समाज पर विचारों के बारे में चर्चा करें। मनुस्मृति अपने राज दर्शन की तुलना में अपने समाज दर्शन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। यद्यपि वर्तमान काल में मनुस्मृति की समाज व्यवस्था अत्यंत विवादास्पद है, किंतु अतीत काल में इसे भारतीय समाज व्यवस्था का एक प्रमुख आधार माना गया था। मनु की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं। पहला है समाज की देवी उत्पत्ति एवं सावयव प्रकृति। मनु के अनुसार जब राज्य नहीं था तो संसार में सर्वत्र अराजकता, भय व मत से न्याय प्रचलित था। इस दुखद स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने राजा या राज्य की उत्पत्ति की। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि मनु ने राज्य के अभाव में समाज के अस्तित्व की धारणा नहीं स्वीकारी है। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति के साथ ही समाज की उत्पन्न स्थापना होती है। राज्य की उत्पत्ति दैवीय है, अतः इसके साथ ही स्थापित होने वाले समाज एवं इसकी व्यवस्था का आधार भी दैवीय है। अन्यंत्र मनु ने समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति भी दैवीय ही बताई है। मनुस्मृति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना के बारे में सावयव सिद्धांत को स्वीकारा है और इस सृष्टि सिद्धांत के अनुसार ही समाज की रचना के लिए सावयव सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। मनुस्मृति का मत है कि उस विराट पुरुष प्रभु के अर्ध शरीर से पुरुष नर तथा शेष अर्ध शरीर से नारी मादा जगत की उत्पत्ति हुई है। समाज की भली भांति वृद्धि, शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति हुई। दूसरा, समाज व्यवस्था का आधार धर्म और राज्य। मनु ने समाज व्यवस्था के स्थायित्व एवं कुशल संचालन के लिए विभिन्न नैतिक नियमों, मूल्यों एवं विधियों को आवश्यक माना है, जिन्हें मनु ने संयुक्त रूप से धर्म कहा है। समाज की सावयव प्रकृति के अनुसार ही मनु ने धर्म के दो प्रकार बताए, सामान्य धर्म तथा विशिष्ट धर्म। जहाँ सामान्य धर्म समाज रूपी संपूर्ण शरीर से संबंधित है, वहीं विशिष्ट धर्म इस समाज शरीर के वर्ण, जाति, कुल, ग्राम आदि विशिष्ट अंगों से संबंधित है। समाज की वर्ण व्यवस्था। पहला, चार वर्णों की दैवीय उत्पत्ति है, उनके कर्तव्य। मनु के अनुसार समाज की रचना चार वर्णों के सहयोग से होती है। इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई है। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उर या उदर से वैश्य तथा पाद से शूद्र को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के जिस अंग से जिस वर्ण की उत्पत्ति हुई है, उस अंग के कार्य के अनुसार ही उन वर्णों के लक्षण व कर्मों को तय किया गया। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का स्वधर्म है अध्ययन व अध्यापन करना, यज्ञ करना व करवाना, दान लेना व देना। उल्लेखनीय है कि यह प्रमुख रूप से वेद के अध्ययन व अध्यापन पर बल दिया गया और सामान्य रूप से यह धर्मशास्त्रों, स्मृतियों व धर्म सूत्रों के बारे में भी लागू होता है। क्षत्रिय के स्वधर्म में अग्रलिखित कर्तव्यों की गिनती की गई है, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्रों को धारण करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का स्वधर्म है अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, पशुपालन व कृषि कर्म करना तथा वाणिज्य द्वारा धन कमाना। मनु ने शूद्र का स्वधर्म बताया है, वह ईर्ष्या, निंदा, अभिमान आदि दोषों को छोड़कर उपरोक्त तीनों वर्णों की यथासंभव सेवा करे और इसी एकमात्र कर्म को करते करते जीवन को व्यतीत करे। वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण तथा अहस्तक्षेप का सिद्धांत। मनुस्मृति द्वारा स्वीकृत वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में श्रम विभाजन की प्रणाली को प्रकट करती है। समाज की बौद्धिक, सैनिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों के द्वारा की जाती है। इन तीनों वर्णों से संबंधित व्यक्ति जीवन भर न केवल वर्ण से संबंधित कार्यों को ही करते हैं, जिससे उन्हें अपने कर्म में विशेष कुशलता प्राप्त होती है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कार्य के विशिष्टीकरण का नियम लागू होता है। मनु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने वर्ण के कार्य को ही करना चाहिए और उसे अन्य वर्णों के कार्यों में न तो स्वयं करना चाहिए, न उनके कार्यों में बाधा डालनी चाहिए और न ही अन्य वर्णों की निंदा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के संचालन में मनु स्पष्ट रूप से अहस्तक्षेप का नियम भी लागू करते हैं।
किंतु इस नियम का अपवाद भी है। ब्राह्मण का विशेष दायित्व है कि वह स्वयं धर्म का पालन करने के साथ ही अन्य वर्णों से भी उनके स्वधर्म का पालन कर रहा है। क्षत्रिय राजा का विशेष दायित्व है कि वह उन व्यक्तियों को दंडित करे जो स्वधर्म का उल्लंघन करते हैं। वर्ण व्यवस्था में निहित श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण तथा हस्तक्षेप का नियम शूद्र वर्ण पर भी लागू होता है, किंतु कुल मिलाकर उसकी स्थिति उपरोक्त तीनों वर्णों से भिन्न है। वह श्रम विभाजन की दृष्टि से समाज के शारीरिक श्रम से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कार्य विशिष्टीकरण की दृष्टि से उसका एकमात्र कार्य क्षेत्र उपरोक्त तीनों वर्णों की समर्पित भाव से सेवा करना। हस्तक्षेप का सिद्धांत शूद्र पर कठोरता पूर्वक लागू होता है यदि वह अन्य वर्णों के कार्यों में हस्तक्षेप करने अथवा उनके कार्यों का अनुकरण करने का प्रयत्न करता है तो वह कठोर दंड का पात्र होता है। वर्णों अनुसार व्यक्ति का स्तर, कर्तव्य, अधिकार। मनुस्मृति समाज को एक सावयव मानती है जिसकी इकाई व्यक्ति नहीं अपितु वर्ण है। अतः इस समाज व्यवस्था में व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसके वर्ण के द्वारा ही तय होता है। वस्तुतः प्रत्येक वर्ण समाज की कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनु ने समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च माना है क्योंकि वह समाज की बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज व्यवस्था में द्वितीय स्थान क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त होता है जो समाज के भौतिक संगठन की शक्ति पूर्वक रक्षा करता है ताकि प्रत्येक वर्ण अपने स्वधर्मों का भलीभांति पालन कर सके। संपूर्ण समाज व्यवस्था में वैश्य वर्ण तृतीय स्थान पर आता है क्योंकि उसके कार्य प्रथम दोनों वर्ण की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। यह वर्ण समाज की आर्थिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज व्यवस्था में चतुर्थ व सबसे निम्न स्थान शूद्र वर्ण का है जो समाज की मात्र शारीरिक श्रम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनु ने अपनी समाज व्यवस्था में जब ब्राह्मण वर्ण को अत्यंत श्रेष्ठ व उच्च स्थान प्रदान किया है, वहीं शूद्र वर्ण को अत्यंत निम्न व हीन स्थान प्राप्त किया है। उपलब्ध मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, अतः पृथ्वी पर जितना भी धन है वह मात्र ब्राह्मण का है। ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं खाता है। अन्य जो कुछ ब्राह्मण को खिलाते हैं या दान देते हैं वे वास्तव में स्वयं ब्राह्मण का ही होता है। अन्य सभी वर्ण ही ब्राह्मण की दया पर खाते हैं और जीवित रहते हैं। इस ग्रंथ ने शूद्र वर्ण को अत्यंत हीन स्थान देते हुए उसे वेद अध्ययन, शिक्षा का अधिकार से वंचित किया है। वर्णों की पारस्परिक निर्भरता। मनु ने समाज को एक सावयव शरीर माना है और जिस प्रकार सावयव की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न अंगों में पारस्परिक निर्भरता व सहयोग पाया जाता है, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए समाज के वर्ण रूपी अंगों में भी पारस्परिक निर्भरता व सहयोग पाया जाता है। चौथा है समाज की आश्रम व्यवस्था। मनु ने आश्रम व्यवस्था धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति का साधन, वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार तथा संपूर्ण समाज के कुशल एवं नियंत्रण की तर्कपूर्ण व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के स्वाभाविक आयु 100 वर्ष है, किंतु आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मां द्विज वर्ण, प्रथम 3 वर्ण के पुरुषों को ही प्राप्त है, अर्थात शूद्र वर्ण के पुरुष एवं 4 वर्णों की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है। अपनी आश्रम व्यवस्था में मनु ने अग्रलिखित 4 आश्रमों को मान्यता दी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था से संबंधित वर्ण में प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में, द्वितीय 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में, तृतीय 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में तथा शेष अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम में व्यतीत करने चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थान प्रथम है। प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन अथवा आगामी 3 आश्रमों के लिए शारीरिक व मानसिक दृष्टि से तैयार करता है। यही इस आश्रम का महत्व है। उपनयन, जनेऊ संस्कार के बाद बालक को पिता द्वारा गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में विद्यार्थी न केवल गुरु से विभिन्न वेद, वेदांगों, शास्त्र, अर्थ, विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त करता था, अपितु वह गुरु की देखरेख में ऐसी जीवन पद्धति का भी आभास या अभ्यास करता था जो उसे आलस्य, परनिंदा, असत्य भाषण, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ आदि के दोषों से बचाने में सहायक होती थी तथा उसमें विद्या,
प्रेम, इंद्रिय संयम, विनयशीलता, उद्यमशीलता, कर्तव्य परायणता आदि सद्गुणों की भी वृद्धि करती थी। आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद पुरुष को 26वें वर्ष में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के अनुसार पुरुष को अपने वर्ण वाली और ऊंचे कुल की किंतु भिन्न गोत्र वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। उसे अपनी गृहस्थी के संचालन के धर्मयुग साधनों से धन का अर्जन व संचन करना चाहिए तथा देव, अतिथि, पितृ आदि को भोजन कराना चाहिए। परिवार कुल की वृद्धि हेतु संतोत्पत्ति करनी चाहिए। मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम आश्रम माना है क्योंकि अन्य आश्रमों का जन्म व पोषण इसी आश्रम द्वारा किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। उसे संपत्ति, घर और घर व ग्राम में उत्पन्न पदार्थों का त्याग करके अकेले अथवा पत्नी सहित वन में रहना चाहिए। उसे वन में रहकर इंद्रिय संयम, वेद का अध्ययन, अतिथि सत्कार, अहिंसा, कठोर तप आदि पालन करते हुए वन में उत्पन्न कंद मूल आदि का सेवन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर पुरुष को संन्यास की दीक्षा प्राप्त करके संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। मनु का मत है कि देवऋण, पितृण, ऋषि ऋण से मुक्त होने तथा पुत्र प्राप्ति व पर्याप्त वेदाभ्यास के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। इस प्रकार धर्म अर्थ काम की सिद्धि के बाद ही मोक्ष की सिद्धि हेतु संन्यास आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकार होता है। इस आश्रम में रहते हुए पुरुष सन्यासी को राग, द्वेष, हिंसा, कटुवाणी व कटु व्यवहार, मान अपमान, गृह, शारीरिक व लौकिक सुखों का परित्याग करके इंद्रिय संयम, वेदों के आज्ञानुसार आचरण तथा कठोर तप का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सन्यासी को वन में अकेले रहना चाहिए तथा किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। उसे मात्र भिक्षावृत्ति से प्राप्त अन्न को ग्रहण करके आत्मसंतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। समाज व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान। मनु ने गृहस्थ आश्रम के स्थायित्व में सफल संचालन के में स्त्री की आधारभूत भूमिका स्वीकारा है और उसके संपूर्ण जीवन को घर की चार दीवारी तक सीमित रखा है। इसके साथ ही स्त्री की सामाजिक स्थिति संबंधी विवरण पर दो अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। पहला, स्त्री की प्रकृति व मनोविज्ञान के बारे में मनु की मान्यताएं और दूसरा मनु के युग की विशेषताएं। मनु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता का पूर्ण निषेध किया है क्योंकि वे मानते हैं कि ब्रह्मा ने स्त्रियों के स्वभाव के कुछ ऐसे दुर्गुण व दोष रखे हैं कि यदि उनको स्वतंत्रता दी जाएगी तो उसमें व्यभिचार आदि के दोष उत्पन्न होंगे। अतः पुरुषों का कर्तव्य है कि वे सदैव स्त्रियों पर नियंत्रण रखें। मनु के अनुसार स्त्रियों के चरित्र के कपटीपन को पुरुष तो क्या देव भी समझने में असमर्थ है। मनुस्मृति ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों को कार्यों के निर्णय की स्वतंत्रता का निषेध करते हुए कहा है कि स्त्री को बालपन में पिता, तरुण अवस्था में वृद्धावस्था में पति के अधीन रहना चाहिए। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो भी वह स्वतंत्र नहीं होती अपितु उसे क्रमशः पूर्ववर्ती के अभाव में उत्तरवर्ती के अधीनता में रहना चाहिए। पति के अभाव में पुत्र, पुत्र के अभाव में पति के कुटुंब, पति के कुटुंब के अभाव में पिता के कुटुंब, इन दोनों के अभाव में जाति के वृहद पुरुषों तथा इनके अभाव में राजा आदि के अधीन स्त्री को रहना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि मनु ने विवाह कन्यादान के बाद पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने विवाहित स्त्री का एकमात्र अधिकार पति की सेवा ही बताया। पुरुषों के समान ही स्त्री भी ब्रह्मा के शरीर का अर्ध भाग है और वंश वृद्धि में उसका भी महत्व है, अतः स्त्री की उपेक्षा अनुचित है। स्त्री घर की शोभा, धन व लक्ष्मी होती है, अतः उसका पूर्ण सम्मान व आदर किया जाना चाहिए। जिन परिवारों में स्त्रियों का समुचित आदर किया जाता है उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पारिवारिक जीवन में स्त्री का पुत्री, पत्नी व माँ के रूप में विशेष महत्व होता है। मनु का मत है कि पुरुष को परिवार की सभी स्त्रियों के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। जो पुरुष पुत्री, पत्नी व माँ के प्रति अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता वह समाज में निंदा का पात्र होता है। पत्नी का अनादर करने वाले पुरुष को राजा द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। पुत्री का अपनी माँ के धन पर अधिकार होता है। धार्मिक अनुष्ठानों की सफलता के लिए पति के साथ पत्नी की उत्पत्ति अनिवार्य, उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है।
स्त्री को पिता, भाई, पति अथवा अन्य संबंधियों से प्राप्त धन में उपहार अर्थात स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार होता है। पति से पुत्र की कामना की पूर्ति न होने की स्थिति में पत्नी को शास्त्र के मर्यादा के अनुसार पति के सहगोत्री, देवर आदि पुरुष से नियोग का अधिकार है। पुरुष को अपनी पत्नी अथवा पत्नी से उत्पन्न पुत्र को बेचने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म शक्ति व छात्र शक्ति में आपसी सहयोग की आवश्यकता। मनुस्मृति ने जिस समाज व्यवस्था की स्थापना की है उसकी रक्षा, स्थायित्व एवं अभिवृद्धि के लिए ब्राह्मण वर्ण के बौद्धिक, आत्मिक व शास्त्र बल तथा क्षत्रिय वर्ण के बौद्धिक, प्रशासनिक व शस्त्र बल की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण धर्म का मूल है जिसका अग्रभाग राजा होता है। ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रिय के अभाव में ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मनु की सामाजिक व्यवस्था की आलोचना। यह यथार्थवादी समाज दर्शन नहीं है। मनु का समाज दर्शन मूलतः प्रत्ययवादी दर्शन है। मनु के राजा एवं राज्य की उत्पत्ति के विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य से पहले समाज का भी अभाव था। अतः राज्य की स्थापना के साथ ही सामाजिक जीवन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। किंतु आधुनिक समाजशास्त्र का मत है कि राज्य के उदय से पहले भी आदिम समाज मौजूद थे। समाज को एक वास्तविक सावयव माना है। इस प्रकार उन्होंने समाज को साध्य और व्यक्ति को साधन बना दिया, किंतु स्थिति व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करने वाली है। मनु ने उग्र प्रत्ययवादियों की तरह राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा व्यक्ति को नैतिक बनाने की चेष्टा की है। राजसत्ता व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियमित व नियंत्रित कर सकती है, उसे सही मायने में नैतिक व धार्मिक नहीं बना सकती। मनु ने राज्य व समाज में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया है। वर्ण व्यवस्था संबंधी आलोचना। मनु ने चार वर्णों की उत्पत्ति मानी है, जिसे मात्र एक उपमा के तौर पर ही स्वीकार किया जा सकता है, एक वास्तविक तथ्य के रूप में नहीं। मनु ने श्रम विभाजन की दृष्टि से संपूर्ण समाज को चार भागों में बांटा है। वस्तुतः मनुस्मृति का यह वर्गीकरण तत्कालीन सरल व कृषि प्रधान समाज से संबंधित है। जब लोक राजा रहित प्रदेश में सर्वत अराजकता फैल गई, तब वर्ण व्यवस्था को एक स्थायी व शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संपूर्ण विवरण अस्पष्ट व अंतर्विरोधों से युक्त है। अतः एक लंबे समय से विद्वानों में यह विवाद है कि यह वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार है अथवा कर्मानुसार। आश्रम व्यवस्था की आलोचना। मनु की आश्रम व्यवस्था की अनेक पहलुओं से प्रशंसा की जा सकती है, किंतु इसका मुख्य दोष यह है कि यह मात्र द्विज वर्ग तक ही सीमित है और शूद्र वर्ण को इससे वंचित रखा गया है। मनु के स्त्री जाति संबंधी विचारों की आलोचना। मनु ने स्त्री संबंधी विचार पूर्वाग्रहयुक्त व अनुदारवादी हैं। उनके इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि स्त्रियाँ स्वतंत्र या सदुपयोग करने में असमर्थ हैं अथवा स्वतंत्रता प्राप्त स्थितियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं। स्त्रियों को शिक्षा व सामाजिक जीवन में भागीदारी से वंचित रखना भी अनुचित है। स्त्रियों के रूप में जनसंख्या के आधे भाग को समानता, स्वतंत्रता व शिक्षा के अधिकार से वंचित रखकर किसी श्रेष्ठ, गतिशील व विकासवान समाज की रचना नहीं की जा सकती। थैंक यू।